कोहिर दक्कन में मैंगो ट्रेडर्स की जानिब से एक तहनीती प्रोग्राम मुनाकिद किया गया था, जिसमें वाइस एमपीपी कोहिर जनाब शाकिर अली साहब की गुलपोशी की गई और लॉकडाउन के दौरान आम के ताजरीन की सहूलत के लिए उन्होंने पासेस दिलवाने पर वाइस एमपीपी कोहिर जनाब शाकिर अली साहब की खिदमात को सराहा गया और इस तहनीती प्रोग्राम के मौके पर कोहिर दक्कन के मशहूर और मारूफ शख्सियात मौजूद थे। वाजह रहे कि वाइस एमपीपी कोहिर जनाब शाकिर अली साहब के बेलोस खिदमात का चर्चा सिर्फ कोहिर की हद तक ही महदूद नहीं बल्कि दूर दराज के इलाकों तक उनकी खिदमात का चर्चा है। तो आइए देखते हैं कोहिर दक्कन से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद खदीर की रिपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कोहिर मैंगो ट्रेडर्स, मैंगो बिजनेसमैन और आम कोहिर के आम के व्यापारी और कारोबारियों की तरफ से जानिब से आज एक दहनियत पेश की गई है, जो कि लॉकडाउन के चलते हुए आम के व्यापारी और मैंगो ट्रेडर्स को जो परेशानी आ रही थी उसको लेकर हमने काम किया है। उस पर आज उसी के सबब ये दहनियत पेश की जा रही है कोहिर के व्यापारियों की। मैं यहाँ ये बात भी यहाँ बता दूँ आपको कि पूरे हिंदुस्तान में ऑल ओवर द इंडिया के अंदर आम के व्यापारियों का हाथ पकड़ने वाला कोई नहीं था, ना लीडर था ना सोशल एक्टिविटीज था। मुझे एजाज हासिल हुआ ये, जनाब इफ्तिखार भाई भी साथ थे, हमने डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर से डायरेक्ट राब्त पैदा किया, हरीश राव साहब से राब्त पैदा किया, हमने कोहिर लाया उनको फील्ड पे, हमने बताया कि आम के व्यापारियों को क्या परेशानी हो रही, क्या दिक्कत हो रही है। उसी के चलते जो एक ग्रैंड सक्सेस आम का सीज़न रहा, इस बार का फ़ायदे बख्श सीज़न कहलाया जा सकता है इसको, कि एक अच्छे मुनाफा बख्श रहा, उसी के चलते कोहिर के व्यापारियाँ अपनी खुशी का इजहार करते हुए आज दहनियत पेश की है। मैं तमाम व्यापारियों का, मैंगो ट्रेडर्स का, मैंगो सप्लायर का, मैंगो एक्सपोर्टर इफ्तिखार भाई का, मैं सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं आज यहाँ पे किसान और फार्मर्स चाहे रैतु होंगे, हमेशा हर किसी के लिए मैं आगे खड़ा हुआ रहूँगा। मैं आम के व्यापारियों के लिए भी सबसे आगे खड़ा था और हमेशा मैं कोहिर मंडल की तरक्की के लिए सबसे आगे पेश रहूँगा। शुक्रिया। मैं तहे दिल से मैं सबका शुक्रगुजार हूँ, खासकर जो हमारे कोहिर के व्यापारी है जो लॉकडाउन में बहुत मेहनत किए है, कोशिश किए है, और वैसे पीपी जो शाकिर साहब है, खासकर जो मैडम को बुलाए थे, बुला के उनको जायज़ा लिए, फिर उसमें तकरीबन लोग बहुत बहुत परेशान थे, लॉकडाउन में माल नहीं बिक रहा था, मेरे को भी बहुत कॉपरेट किया, मैं भी उनका समझा और तहे दिल से समझा, मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। काफ़ी अच्छा मज़ा आया काम करने में, अल्हम्दुलिल्लाह। जो जो नुकसान होना था अल्लाह का शुक्र है नुकसान से बचे हैं। पूरा वर्ल्ड के व्यापार खुश हो गए।